गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम हुसैन सर एंड टुडे वी विल सी चैप्टर नंबर 4 ऑफ सप्लाई एनालिसिस। बिफोर गोइंग ऑन सिलेबस, बिफोर गोइंग ऑन टॉपिक ऑन सप्लाई एनालिसिस, वी विल जस्ट रिमाइंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सप्लाई। टॉपिक पे आने से पहले हम जरा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को रिमाइंड कर लेते हैं। वो डेफिनेशन रिमाइंड करने के बाद हमें सप्लाई के बहुत से कंसेप्ट वो इजीली समझ में आ जाएंगे। देखिए, जब फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने देखा था तो उसमें हमने ये देखा था, एक एग्जांपल देखा था कि मान लीजिए अगर हमारी मंथली इनकम 10,000 है और 10,000 से हमें अपनी पूरी महीने भर की ज़रूरत को पूरा करना है तो हम क्या करेंगे। तो हमने क्या किया था, हमने वो 10,000 को इस तरह से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था जिससे कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरा करें। तो इसी को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एलोकेशन ऑफ resources in a such a manner that to maximize, to satisfy maximum needs and wants। अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमें resources को इस तरह से बांटना है जिससे कि हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब सवाल ये यहीं पे आ रहा है कि resources को आखिर बांटा क्यों जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो लोग हैं वो लोगों की नीड एंड वॉन्ट्स जो है बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड है, ज़रूरतें बहुत ज़्यादा है और उसे पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो इसीलिए उन लिमिटेड रिसोर्सेज को हमें इस तरह से बांटना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें यहाँ पे लोगों की पूरी हो सके। अब ये जो लोगों की ज़रूरतें हैं इसको बोला जाता है डिमांड। तो ये ज़रूरतों को सप्लाई की मदद से पूरा करके, सप्लाई की मदद से पूरा किया जाता है और पूरा करके लोगों की ज़रूरतों को सेटिस्फाई करने का काम किया जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस इकोनॉमिक्स में होती है। तो अब इकोनॉमिक्स क्या है वो तो हमारा डिटेल में हो चुका था, हमने जो है इसके पहले बहुत से चैप्टर देखे हैं, हर टॉपिक चैप्टर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब सप्लाई क्या है ये हम देखने वाले, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, व्हाट इज़ मीन बाय सप्लाई एनालिसिस। सप्लाई एनालिसिस में हमें देखना है सबसे पहले सप्लाई, व्हाट इज़ मीन बाय सप्लाई। तो सप्लाई देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे जानना भी ज़रूरी है। तो सप्लाई एक्चुअली अगर हम देखें तो सप्लाई क्या है, सप्लाई मीन्स, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी commodity offers for sale at particular price during a particular period of time, by seller, any seller, it is called supply। एक supply का introduction देखा हमने। supply means क्या, किसे कहेंगे हम supply? supply means total amount of quantity of a commodity which are offers for sale by any seller at particular price in the market during a particular period of time, then it is called सप्लाई। सप्लाई मतलब इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको पूर्ति कहा जाता है। तो पूर्ति किसे कहेंगे, वस्तुओं की वो क्वांटिटी जो कोई भी सेलर तैयार है, रेडी है मार्केट में बेचने के लिए, भेजने के लिए, सेल करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो इसको बोला जाता है सप्लाई। ठीक है, अब लोगों की तो बहुत सारी ज़रूरतें हैं, डिमांड है, ठीक है, वो डिमांड को जो है सप्लाई की मदद से ही पूरा किया जाता है। डिमांड को जो है हमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और सप्लाई को हमें सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखें, क्योंकि कस्टमर जो है ये चाहेगा कि उसे कम प्राइस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा माल, गुड्स मिले। जब प्राइस कम होंगी तो डिमांड ज़्यादा करेगा और सप्लाई विल रेडी टू सप्लाई मोर क्वान्टिटी ऑफ ए कॉमोडिटी एट हायर प्राइस। सप्लायर जो है वो मार्केट में
ज़्यादा प्राइस पे माल ज़्यादा सप्लाई करने के लिए तैयार होता है। जब उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा मिलेंगी तब वो तैयार होगा ज़्यादा सेल करने के लिए मार्केट में। तो ये जो है सारी चीज़ें हमें सप्लाई में अभी देखना है, ठीक है। तो सप्लाई जो है हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, सेलर के। सेलर कब मार्केट में ज़्यादा सप्लाई करेगा गुड्स का, जब उसे अपने प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो सप्लाई का मतलब क्या है, अगर हम आपने डिमांड देखा होगा तो डिमांड का ही सेम उल्टा अपोजिट है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई की मीनिंग जो है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बाकी वर्डिंग्स वही है। अगर आपने डिमांड का चैप्टर देखा हो तो आपको ध्यान में आ जाएंगे। अब ये तो सप्लाई का एक इंट्रोडक्शन हमने देखा था कि सप्लाई मतलब टोटल अमाउंट ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी ले सकते विच आर ऑफर्स फॉर सेल बाय एनी सेलर इन द मार्केट एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ कॉल्ड सप्लाई। अब कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी ज़रूरी है सप्लाई के लिए हमें यहाँ समझना। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में पहला है टोटल आउटपुट। टोटल आउटपुट देखना है हमें, टोटल आउटपुट के बाद देखना है हमें स्टॉक, स्टॉक किसे कहें, और स्टॉक के बाद देखना है फिर मीनिंग ऑफ सप्लाई, मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, ठीक है। अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड यूनिट। शॉर्टकट में अगर एक वर्ड में इसे एक्सप्लेन किया जाए तो प्रोडक्शन। तो ये टोटल आउटपुट क्या हो जाएगा, टोटल आउटपुट मीन्स टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी कॉमोडिटीज विच आर प्रोड्यूस्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, या टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब ये टोटल आउटपुट जरूरी क्यों है सप्लाई के लिए हमें पढ़ना। सप्लाई भी हम ज़्यादा डायरेक्टली पढ़ सकते थे, लेकिन सप्लाई के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है, टोटल आउटपुट और टोटल स्टॉक। सप्लाई मार्केट में सेलर कब करेगा गुड्स का, जब उसके पास गुड्स अवेलेबल होंगे, और गुड्स अवेलेबल कब होंगे, जब वो गुड्स बनाए जाएंगे। और ये गुड्स बनाए कहाँ जाते हैं, ये गुड्स बनाए जाते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में। तो जितने वैल्यू के गुड्स प्रोडक्शन प्रोसेस में बनाए जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अंदर, उसको बोला जाता है टोटल आउटपुट, यानी टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोड्यूस यूनिट। तो ये है हमारा टोटल आउटपुट जो हमने अभी देखा। तो सप्लाई के लिए ज़रूरी है ना, जब प्रोडक्शन होगा तभी तो आप माल को गुड्स को मार्केट में सप्लाई कर सकते। अगर आप प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे तो आप सप्लाई नहीं कर सकते। तो सप्लाई के लिए प्रोडक्शन ज़रूरी है। अब सेकंड है हमारा स्टॉक। अब स्टॉक मतलब क्या, स्टॉक मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटीज विच आर अवेलेबल फॉर सेल एट पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर प्लेस एट पर्टिकुलर पॉइंट इट इज कॉल्ड स्टॉक। उसे हम क्या कहेंगे, स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ कॉमोडिटी ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच आर अवेलेबल फॉर सेल एट एनी पर्टिकुलर प्लेस, एट एनी पर्टिकुलर प्लेस देन इट इज कॉल्ड स्टॉक। वस्तुओं की वो क्वांटिटी जो किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट पे प्लेस पे बहुत ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में अवेलेबल है सेल के लिए, मार्केट में सेल के लिए, तो उसको बोलेंगे हम स्टॉक, ठीक है। जनरली क्या होता है, जितने जो है प्रोडक्शन जो है बिफोर डिमांड, प्रोडक्शन ऑन डिमांड नहीं होता है आज की कंडीशन में अगर हम देखें तो, प्रोडक्शन जो है वो डिमांड के हिसाब से नहीं होता है, प्रोडक्शन कंटिन्यू प्रोसेस है वो चलते रहती है।
और जिस तरह की डिमांड होती है उस तरह से जो है मार्केट में गुड्स सप्लाई किया जाता है। अब जो है प्रोडक्शन, तो सपोज हर साल अगर 10,000 यूनिट का डिमांड है बट 15,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हर साल, तो ये 15,000 यूनिट जो है स्टॉक में रखेंगे और उसके हिसाब से जितना डिमांड होगा वो डिमांड के हिसाब से जो है मार्केट में गुड्स सप्लाई किया जाएगा और बाकी के जो है वो स्टॉक करके रखे जाएंगे। फिर जैसे जैसे डिमांड होते जाएंगे वो स्टॉक गुड्स का मार्केट में निकाला जाएगा बेचने के लिए। तो स्टॉक का मतलब होता है वस्तुओं की वो क्वांटिटी जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर प्लेस पे अवेलेबल है बहुत ज़्यादा मात्रा में, सेल के लिए तैयार है, उसे बोलेंगे हम स्टॉक। अब स्टॉक भी क्यों ज़रूरी है सप्लाई के लिए, क्योंकि सप्लायर हमेशा ये चाहता है कि उसे अपने प्रोडक्ट का ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उसे अपने प्रोडक्ट की कीमत मिले। तो वो क्या करता है, प्रोडक्शन के बाद जो है गुड्स जो है पूरा मार्केट में एक साथ सप्लाई नहीं कर देता, वो कुछ सप्लाई करता है और कुछ स्टॉक करता है, और जब प्राइस में फ्लक्चुएशन हो कम ज़्यादा हो तो उसके हिसाब से वो मार्केट में गुड्स को जो है सप्लाई करता है। तो स्टॉक ज़रूरी है सप्लाई के लिए, हमने टोटल आउटपुट देखा और ये स्टॉक देखा। टोटल आउटपुट आप समझिए टोटल प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में टोटल प्रोडक्शन हो रहा है वो टोटल आउटपुट है। और स्टॉक मतलब हमारे पास अभी गोडाउन में या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे बल्क क्वांटिटी में जो माल अवेलेबल है सेल के लिए, पूरी तरह से तैयार है सेल के लिए, उसको बोला जाता है स्टॉक, वो है स्टॉक। तो यहाँ पे हमारे दो कंसेप्ट क्लियर हो गए, तीन कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए। सप्लाई का इंट्रोडक्शन आपने देखा क्या है, टोटल आउटपुट आपने देखा, और स्टॉक आपने देखा कि स्टॉक क्या है। अब इसके बाद अब हमें देखना है मीनिंग मीनिंग ऑफ सप्लाई। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं मीनिंग, व्हाट इज मीन बाय सप्लाई, सप्लाई किसे कहेंगे। तो सप्लाई मीन्स क्या, टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी, सप्लाई मीन्स द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच आर ऑफर्स फॉर सेल बाय एनी सेलर एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड सप्लाई। सप्लाई मतलब क्या होता है, वस्तुओं की वो क्वांटिटी जो मार्केट में कोई सेलर जो है तैयार है सेल करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो इसी को हम सप्लाई कहें। सप्लाई मीन्स quantity of commodities which are ready to sell या which are offers to sell by seller at particular price during a particular period of time, it is called supply। इसी को सप्लाई कहा जाता है, वस्तुओं की वो क्वांटिटी जो सेलर तैयार है रेडी है मार्केट में सेल करने के लिए किसी पर्टिकुलर प्राइस पे और किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, उसी को बोला जाता है यहाँ पे सप्लाई। तो यह है सप्लाई की मीनिंग जो हमने यहाँ पे अभी देखा, वो इंट्रोडक्शन में भी देखा था हमने, थोड़ा सा वर्डिंग का चेंज था, टोटल अमाउंट ये एक दो वर्ड्स जो है उसमें चेंज आए मीनिंग, लेकिन अगर हम शॉर्ट में देखें मेन मीनिंग जो है सप्लाई की वो यही है, मीनिंग ऑफ सप्लाई जो हमने देखा अभी यहाँ पे। ठीक है, तो ये था हमारा अभी सप्लाई का थोड़ा बहुत कंसेप्ट हमने देखा, स्टॉक देखा। अब यहाँ पे कुछ और इसमें इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हमें देखना है, अब वो हम वन बाय वन देखते चलते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, यही सप्लाई को हमें टेबल के फॉर्म में समझना है। देखिए दो तरह के सप्लाई इसमें होते हैं, एक इंडिविजुअल सप्लाई और दूसरा होता है मार्केट सप्लाई। तो पहले
मार्केट सप्लाई समझ लेते हैं, उसके बाद सप्लाई शेड्यूल समझते हैं। इंडिविजुअल सप्लाई क्या है, मार्केट सप्लाई क्या है, इंडिविजुअल सप्लाई क्या है वो समझ ले। मीनिंग यही रहेंगी, बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज रहेगा। मैं आपको वहाँ बता देता हूँ, क्योंकि हमारे टॉपिक में अभी अब इंडिविजुअल सप्लाई नहीं है, बल्कि डायरेक्ट इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल पढ़ना है। तो इंडिविजुअल सप्लाई क्या है वो आप समझ लीजिए। क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच आर ऑफर्स टू सेल बायस। अब यहाँ पे एक वर्ड का चेंज है, बाकी मीनिंग देखिए आप खुद समझ में आ जाएंगे। अब क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटीज विच आर ऑफर्स टू सेल बाय सिंगल सेलर। नाम आपने देखे होंगे इंडिविजुअल सप्लाई, तो यहाँ आएगा सिंगल सेलर एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई। वस्तुओं की वो क्वांटिटी जो एक सेलर, सिंगल सेलर तैयार है मार्केट में अलग अलग प्राइस पे या एक पर्टिकुलर प्राइस पे सप्लाई करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, तो इसको बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का मतलब क्या होगा कि मार्केट में वस्तुओं की कोई भी जो है क्वांटिटी, कितनी भी क्वांटिटी किसी एक सेलर के ज़रिए जब सप्लाई की जाए एक पर्टिकुलर प्राइस पे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, तो इसे बोलेंगे हम इंडिविजुअल सप्लाई। अब वही इंडिविजुअल सप्लाई को जब टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको बोला जाता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो अब इसकी मीनिंग देखेंगे हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल की। अब जब कभी भी ये शेड्यूल आ जाए तो आपको सिर्फ यही वर्डिंग याद रखनी है, टेब्यूलर, टेब्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कॉमोडिटीज विच आर ऑफर्स टू सेल बाय सिंगल सेलर एट पर्टिकुलर प्राइस, एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। ऊपर की मीनिंग और नीचे की मीनिंग आप देखेंगे तो सेम दिखेगा, फर्क क्या है, जब इंडिविजुअल सप्लाई आ जाता है तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सिंगल सेलर, सिंगल सेलर। जब मार्केट में एक सिंगल सेलर वस्तुओं की क्वांटिटी जो है सप्लाई करे एक पर्टिकुलर प्राइस पे और उसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए तो उसी को इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल कहा जाता है। तो चलिए इसका हमें शेड्यूल भी बनाना है, टेबल बना के इसको समझ लेते हैं, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका। मान लीजिए टेबल में प्राइस ले लेते, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लेते ए, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए। अब उसके बाद आ जाएंगे क्वांटिटी सप्लाइड, दूसरा क्वांटिटी सप्लाइड का ले लेते। मान लीजिए प्रोडक्ट की प्राइस है 100, 200, 300, 400, 500। अब क्वांटिटी सप्लाइड 10, 20, 30, 40, 50, ये क्वांटिटी सप्लाइड हो। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, इंडिविजुअल सप्लाई को हम टेबल की मदद से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कहा जाएगा। ठीक है, ये हमारा टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। अब ये हमने टेबल में क्या किया, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई को यहाँ पे शो किया। अब इसी को हमें जो है एक्सप्लेन भी करना है, तो एक्सप्लेनेशन देते समय आपको हमेशा याद रखना है कि ये जो है टेबल का एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी है, सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपका एक्सप्लेनेशन बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, व्हेन, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब एक कॉलम में हमने प्राइस मेंशन की है और दूसरे कॉलम में क्वांटिटी सप्लाई। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज 100, द सप्लाई इज 10। व्हेन प्राइस इंक्रीजेज 100 टू 200, सप्लाई ऑल्सो इंक्रीजेज 10 टू 20।
तो यहाँ पे जो है मैं आपको एक वर्ड्स की एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ, बाकी आपको एक्सप्लेन करना है। ये एक्सप्लेनेशन आपको नीचे देना है टेबल, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखिए। इन टेबल इन व्हेन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए इज 100, द क्वांटिटी सप्लाइड is 10. When it increases from 100 to 200, quantity supplied also increases from 10 to 20. When price is 100, supply 10. When price increases, supply also increases. यहाँ पे आप एक चीज़ गौर करेंगे, जब प्राइस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है तो सप्लाई भी मार्केट में बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सप्लायर का इसमें फ़ायदा है, ज़्यादा प्राइस में अगर वो ज़्यादा माल सप्लाई करेगा तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इसलिए हमेशा याद रखें, सप्लाई टेबल में, सप्लाई शेड्यूल में प्राइस इंक्रीज हो रही है तो आपको सप्लाई भी इंक्रीज बताना पड़ेगा। एट प्राइस ऑफ 500 क्वांटिटी सप्लाइड इज हाईएस्ट दैट इज 50। हाईएस्ट प्राइस जो है 500, उस पर हाईएस्ट अपना क्वांटिटी सप्लाइड है 50। तो यहाँ पे जो है इस तरह जो है आपको टेबल जो है पूरा एक्सप्लेन करना है। ऑन कॉलम ए प्राइस मेंशन, कॉलम बी क्वांटिटी सप्लाइड मेंशन, व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज रुपीज 100, आप चाहे तो पर यूनिट दे सकते या 100 रख सकते। क्वांटिटी सप्लाई आप यूनिट में रखें, केजी में रखें, कुछ भी ना भी रखें तो भी चलेंगे। जितना सिंपल आप लिख सकते उतना ईजी है, बस कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए यहाँ पे। तो ये एक्सप्लेनेशन रहेगा, व्हेन प्राइस इज 100 सप्लाई इज 10, व्हेन प्राइस इज हाईएस्ट दैट इज 500 सप्लाई इज आल्सो हाईएस्ट दैट इज रुपीज 50। एट हाईएस्ट प्राइस सप्लायर विल रेडी टू सप्लाई मोर क्वांटिटी ऑफ अकोमोडिटी इन द मार्केट बिकॉज ही विल गेट द मोर प्रॉफिट एट हाईएस्ट प्राइस, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा हाईएस्ट प्राइस पे। तो ये था हमारा इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और ये उसका हमने टेबल भी देखा और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। अब इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बाद हमें इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखना है। एक ही वर्ड्स की यहाँ पे जो है चेंजेस है, एक ही वर्ड्स का वो अब आपको देखने को मिलेगा क्या क्या चेंजेस है। तो चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करते, इसको इरेज कर देते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इतना नोट डाउन हो गया है तो अब आप आगे थोड़ा इसको इरेज करके आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं। ये नोट डाउन अगर आपने कर लिए हो तो इधर करते हैं, फिर इसको उसको रहने देते हैं, इधर का ही रेस कर देते हैं। चलिए अब इसको देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल के बाद इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। शेड्यूल और कर्व में एक ही वर्डिंग का फर्क है,
और वो क्या फर्क है वो आप हम देखने वाले हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल सप्लाई तो वही रहेगा, बस जब शेड्यूल आ जाए तो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होगा और जब कर्व आ जाए तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बाकी पूरी वर्डिंग सेम है। प्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज, विच आर ऑफर्स टू सेल बाय, सेम है बाकी पूरी वर्डिंग सेम है। सिंगल सेलर, सिंगल सेलर एट पर्टिकुलर प्राइस, एट पर्टिकुलर प्राइस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। बस एक ही फर्क है आपको जो डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कर्व का मतलब ग्राफिकल ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है यही डेटे को, और शेड्यूल मतलब टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, बाकी सेम है। अब इसका हम जो है ग्राफ बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे। चलिए इंडिविजुअल सप्लाई का ग्राफ बना लेते, यही डेटा लेते हैं सेम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ पे प्राइस ले लेते हैं प्रोडक्ट की, प्राइस और ये क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस में हंड्रेड टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड, दो तीन चार पाँच, टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी। व्हेन द प्राइस of product A is 100, supply is 10, 20 पे 200 पे 20 आएगा, 300 पे 30 आएगा, 400 पे 40 आएगा और 500 पे highest 50 आएगा। तो ये जो है हमारा, हमें मिल रहा है ये supply curve, SS इसको नाम दे देंगे हम सप्लाई कर्व। तो आप देखेंगे ये इंक्रीजिंग होता जा रहा है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जा रही है सप्लाई भी बढ़ता जा रहा है। तो ये यहाँ एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी सप्लाई शो किया और वाई एक्सिस पे प्राइस शो की है। अब ये जो है इस तरह डायग्राम आपको बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद इस तरह आपको सप्लाई कर्व बनाना है। सप्लाई कर्व बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद, अब इसी का एक्सप्लेनेशन आपको नीचे देना है। सेम जिस तरह टेबल का एक्सप्लेनेशन था, सेम उसी तरह जो है आपको यहाँ पे इसका भी एक्सप्लेन देना है। तो आपको यहाँ लिखना क्या होना है, एक्स एक्सिस क्वांटिटी सप्लाइड आर शोन एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ कमोडिटी प्रोडक्ट ए आर शोन। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज कमोडिटी इज 100, द टोटल सप्लाई इज लोएस्ट दैट इज 10। When price increases, supply increases, price at the price of 200, quantity supplies is 20, 300, 30, 400, 40 and the, at the highest price that is 500, the total quantity supply is also highest that is 50. इसी तरह आपको जो है ये individual supply curve का जो है explanation देना है। तो ये हो गया हमारा individual सप्लाई कर्व, ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व बना लिए, उसका एक्सप्लेनेशन आपको देना है उसी तरह जो मैंने आपको टेबल में बताया था। तो अब इसके बाद जो इंडिविजुअल सप्लाई के बाद अब हमें देखना है मार्केट सप्लाई। तो मार्केट सप्लाई में और इंडिविजुअल सप्लाई में क्या फ़र्क है, बस एक ही चीज़ का फ़र्क है और जो डिफरेंस है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। थर्ड वाला पॉइंट है, इंडिविजुअल है
इंडिविजुअल के बजाय अब हमें देखना है मार्केट, मार्केट सप्लाई आ जाएगा। टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी आर ऑफर्स टू सेल बाय, यहाँ सिंगल था पहले, अब सिंगल के बजाय आ जाएगा ऑल, ऑल सेलर, ऑल सेलर, ठीक है। और ये जो है टेबल, ये टेबल चेंज हो जाएगा थोड़ा, अब यहाँ टेबल थोड़ा बड़ा बन जाएगा, इसमें एक से ज्यादा सेलर आ जाएंगे। क्वांटिटी सप्लाइड, अब यहाँ एक से ज्यादा सेलर होंगे, सेलर एक्स, सेलर वाई, सेलर जेड, और यहाँ टोटल। ये ले लेते, अब मार्केट सप्लाई आप समझ लो किसको बोलेंगे। इंडिविजुअल में था सिंगल सेलर, मार्केट सप्लाई मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच आर ऑफर्स टू सेल बाय ऑल सेलर। मार्केट में जितने भी सेलर हैं वो अलग अलग प्राइस पे जो अलग अलग क्वांटिटी मार्केट में प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं उन सबकी टोटल। ऑल सेलर, क्वांटिटी ऑफ ए कॉमोडिटी विच आर सप्लाइड बाय ऑल सेलर एट डिफरेंट प्राइजेस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड मार्केट सप्लाई। और वही मार्केट सप्लाई को जब टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई शेडो। अब जैसे ये प्राइस हम लेते हैं, प्रोडक्ट एक ही है उसकी प्राइस ये है, लेकिन अब मार्केट में तीन सप्लायर है एक्स वाई जेड, वो अलग अलग प्राइस पे अलग अलग सप्लाई कर रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, ये ले लेते हैं, 20, 30, 40, 50, 60 से ले लेते हैं, 30, 40, 50, 60, 70 ले लेते हैं। अब इसकी टोटल 60, 90, 120, 150, 180। ये जो टोटल का कॉलम दिख रहा है, ये तीनों सप्लायर के ज़रिए अलग अलग क्वांटिटी जो सप्लाइड की जा रही है उन सब की एडिशन टोटल, इसी को बोला जाता है मार्केट सप्लाई। अब तीन सप्लायर है सपोज मार्केट में एक्स वाई जेड, वो प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस पे देखे, वो अलग अलग क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हैं, तो उन सब सप्लायर की सप्लाई की गई क्वांटिटी का टोटल, उसी को बोलेंगे हम मार्केट सप्लाई। और उसी मार्केट सप्लाई को जब टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए वो आएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल। एट पर्टिकुलर प्राइस के बजाय अब यहाँ एट डिफरेंट प्राइस आएगा, एट ए पर्टिकुलर प्राइस ले आप या डिफरेंट प्राइस ले ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई। और मार्केट सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल यहाँ देखे थे हमने, अब यहाँ आएगा मार्केट सप्लाई शेड्यूल ऑफर टू सेल बाय, बस या सिंगल के बजाय आपको ऑल सेलर डालना है, ऑल सेलर, बाकी सब सेम है। अब यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड मतलब टोटल क्वांटिटी सप्लाइड आ जाएंगी यहाँ पे अलग अलग इसकी, यानी 60, 90, 120, 150 अलग अलग तीनों की अलग अलग आएंगी अब यहाँ, इसकी अलग उसकी अलग, तीन अलग अलग आप बना सकते हैं इसको, या फिर तीनों की कंबाइन भी बना सकते हैं। तीनों सप्लायर जो है वो अलग अलग क्वांटिटी सप्लाइड कर रहे हैं अलग अलग प्राइस पे, ठीक है। तो प्राइस ले आप या टोटल क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ ले, मार्केट क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ आएंगी, टोटल क्वांटिटी सप्लाइड यहाँ पे। तो यहाँ पर इस टॉपिक में, इस चैप्टर में हमने जो है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखा, मार्केट सप्लाई शेड्यूल देखा, इंडिविजुअल सप्लाई कर्व देखा और मार्केट सप्लाई कर्व। इसमें जो है अब आपको ये जो है मार्केट सप्लाई कर्व खुद बनाना है और उसका एक्सप्लेनेशन आपको करके लाना है। और कुछ भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आपके जो भी डाउट्स है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद का जो है टॉपिक वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वीडियो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।